सो वेलकम बैक यू गाइज इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 7 है और थर्ड पार्ट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट के अंदर क्या बताया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डायनेस्टी थी वो थी तुलवा डायनेस्टी। लेकिन तुलवा डायनेस्टी के बाद अरिविदु डायनेस्टी, और अरिविदु डायनेस्टी के बाद पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है और फिर फाइनली सुल्तानों के हाथ में विजयनगर एम्पायर 1565 के बाद चला जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने समझनी है ना, वो पता है क्या है? वो समझनी ये है कि अगर विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर हम देखें कि 1336 से लेके लास्ट अगर 1565 तक जो भी बैटल होती है, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, तो इस बीच में पूरे के पूरे मिलिट्री को, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो दो लोगों के हाथ में ही हमें देखने को मिलता है। दो लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल देखने को मिलता है। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नायक और आपका होता है अमर नायक, सॉरी मैं नायक लिख दिया यहाँ पे, पहले लिखना है मैं नायक। एक है नायक, नायक ये फिल्म वाला सीन नहीं है, नायक मूवी वाला, और एक है अमर नायक। दोस्तों ये नायक और अमर नायक का जो सिस्टम है ना, ये लगभग हर क्या कहते हैं जो राजा होता है अपनी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे करता है। देखो राजा कभी बैटल लड़ने नहीं जाता है, राजा पॉलिसीज बनाने पे फोकस करता है, राजा चीजों को कंट्रोल करने पे फोकस करता है, राजा कभी खुद से काम नहीं करने बैठता ना। सो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी यही सेम सिस्टम हमें देखने को मिलता था। अमर नायक और नायक विजयनगर एम्पायर की वो रीढ़ की हड्डी थी जो पूरी तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। हम समझेंगे कि संगम डायनेस्टी से लेके सुलवा डायनेस्टी, सुलवा से तुलवा और तुलवा से अरिविदु, इतने साल का टाइम पीरियड इन दो लोगों के हाथ में ही सिचुएटेड था। मैप के ऊपर तो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखाया देगा सॉरी, लेकिन हमें जो विजयनगर एम्पायर की कुछ मूर्तियां मिलती है ना, तो विजयनगर एम्पायर की कुछ मूर्तियों के ऊपर नायक और अमर नायक जैसे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो नायक है ना वो सैनिक प्रमुख है, जैसे आप क्या बोलते हो मिलिट्री चीफ बोलते हो। हमारी प्रेजेंट टाइम में जो मिलिट्री होता है उसका सबसे बड़ा हेड मिलिट्री चीफ होता है, और उसके बाद जो पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है राष्ट्रपति की पोस्ट। तो राष्ट्रपति है, उसके बाद मिलिट्री चीफ है, देन मिलिट्री कमांडर है, फिर सेना नायक है, सूबेदार है, ऐसे करते करते रैंक अलग अलग डिवाइड होती है। लेकिन आप नोटिस करो जो मिलिट्री चीफ होते हैं ना वो पूरी तरीके से आर्म सपोर्टर्स होते हैं, फोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। द चीफ ओपन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड मैनी टाइम्स देवर अकम्पनिश्ड बाय द पीजेंट लुकिंग फॉर फर्टाइल लैंड इन द ऑर्डर टू सेटल। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनका जैसे मान लीजिए कि विजयनगर एम्पायर में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट में किसी मिलिट्री चीफ को अपॉइंट कर रखा है, तो वो मिलिट्री चीफ क्या वहीं रहेगा? नहीं, उस मिलिट्री चीफ को दूसरी जगह पे भी भेजा जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह सिचुएटेड रहे। अगर कोई मिलिट्री चीफ अभी दिल्ली में रह रहा है तो उस मिलिट्री चीफ को जम्मू कश्मीर भी भेजा जा सकता है, ऐसा है ना। तो सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कहानी सिंपल सी बस इतना सा है जो हमें समझना है, वो समझना हमें यही है कि मिलिट्री चीफ जो है समय समय पे तबादला करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनका मेन काम होता है कि किसी जगह पे अगर अटैक करना है तो कैसे अटैक करना है, कौन सी ज़मीन फर्टिलाइज है तो उस पर हमें कैप्चर कैसे करना है, कंट्रोल कैसे बनाना है, किसानों को, ज़मींदारों को या वहाँ के किसी हेड को हमें कैसे सिचुएटेड करा के वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करनी है। तो ये होता है मेन मिलिट्री चीफ का काम। उसके बाद आता है उससे छोटे रैंक पे, वो होता है अमर नायक। अब जो अमर शब्द है वो समारा संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, इसका मतलब लड़ाई या युद्ध होता है। अमर फारसी में से अमीर बोलते हैं, इससे मिलता जुलता अर्थ है ऊंचे पद या कुलीन वर्ग का व्यक्ति। अब ये MCQ के अंदर आ सकता है, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन की तरह विजयनगर एम्पायर में, जैसे सबसे ऊपर राजा, उससे नीचे नायक और उसके नीचे अमर नायक। अमर नायक के नीचे भी छोटी छोटी पोस्टें होती होंगी, दैट इज नॉट मेंशन इन NCERT, लेकिन पोस्ट तो होती ज़रूर होगी। तो वो भी हम देख लेंगे आगे जाके कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सुल्तान से कॉपी करा गया सिस्टम है, क्योंकि दिल्ली सुल्तान ने एकता सिस्टम बनाया हुआ था। एकता सिस्टम में क्या होता है, ये ज़मीन के हिस्से को एकता बोलते हैं। एकता में क्या होता है, जैसे ये एक एकता है, एक एकता ये है, एक एकता ये है, एक एकता ये,
तो ये लोग क्या करते हैं, एकता सिस्टम के अंदर किसी एक जगह पे किसी गवर्नर को या किसी सोल्जर को या किसी ऑफिसर्स को या किसी नोबल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, इसे ये लोग एकता सिस्टम कहते हैं। लेकिन विजयनगर एम्पायर पे इसे एकता सिस्टम ना बोलते हुए इसको अमर नायक का सिस्टम कहा जाता था, और अमर नायक जो थे वो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। अब मिलिट्री चीफ क्या होते हैं भाई, जो राजा है ना वो किसी एक जगह पर एक मिलिट्री चीफ को अपॉइंट करता है और कहता है कि तू यहाँ का राज्य चला। ये सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। तो अमर नायक की ड्यूटी क्या होती है, टैक्स इकट्ठा करना। कोई बंदा क्राफ्ट पर्सन है, किसान है या ट्रेडर्स है, वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं वसूली बच गई है तो उसे वसूल करना पैसों का। पूरी तरीके से कोशिश करना कि उन जगहों के अंदर घोड़े हाथी दूसरी और जो निजी चीज़ों की ज़रूरत है उसको मेंटेन रखने का काम इन्हीं का होता था। छोटे मोटे रेवेन्यू से रिलेटेड मंदिर बनवाना, उनके रखरखाव करने का काम इनका देखा जाता था। तो ये डेफिनेटली कि पेपर के अंदर ये दोनों चीज़ ज़रूर आएगी, जो आपने फोकस करनी नायक और अमर नायक के बीच में। आप पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का अगर कैपिटल का अगर हम देखें तो ये कुछ ये नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये तो घाघरा नदी है, और इसके बीच में विजयनगर एम्पायर फैला हुआ है। तो इसका आप देख सकते हो कि इसी तरीके से बता रखा है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या है। नंबर वन, अगर हम पानी की बात करें तो पानी अच्छा खासा था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नेचुरल बेसन बना हुआ था। कहने का मतलब पानी मेन आ रहा था, दो नदियों से मेन तो पानी आ ही रहा था, तो उसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो विजयनगर एम्पायर में काफ़ी अच्छा था। विजयनगर एम्पायर में जो राजा था कृष्णदेव राय, उसने कमलापुरम टैंक भी बनवाया हुआ था जिससे वहाँ के लोगों को पानी पीने को मिल जाता था, और ये कमलापुरम टैंक बहुत सारी फिल्मों के अंदर दिखाया गया है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा कहा जाता है कि अल बरूनी से इंस्पायर्ड ये कमलापुरम टैंक बनाया गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि हर जगह से सीढ़ियां हैं, हर जगह से व्यक्ति उतर सकता है, और ये इतना ही गहरा होता चला जा रहा है, फिर ये पानी भरेगा तो और भरता चला जाएगा, और बहुत अच्छा सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। अगर दूसरी बात करें विशेषता कि किलेबंदी की, तो किलेबंद बहुत अच्छी तरीके से था। ये किलेबंद बोले तो इन्होंने हर चीज़ को किलेबंद कर रखा था। अबुल फजल बताते हैं कि किलेबंद इतना ज़्यादा अच्छा था कि 7 लेवल की दीवारों में इसको किलेबंद कर रखा था। बहुत बड़ी बात है वो इन लोगों ने कर रखा था। विजयनगर एम्पायर में अबुल रजाक जो है ना, अबुल फजल नहीं, अब्दुल रजाक, इसकी स्टेटमेंट पेपर के अंदर कई बार आई है। पूछा गया है कि अब्दुल रजाक ने बताया है कि कितने लेवल पर दीवारों को इन्होंने कैप्चर करा था, तो 7 लेवल पर। इसने बताया कि अलग अलग लेवल पे देखो कवरिंग हो रखी है, पहला ये कवर है, दूसरा ये कवर है, तीसरा ये कवर है। अब हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि पहले उसमें क्या था, दूसरे उसमें क्या था, पहले में वो क्या कवर करते थे, दूसरे में वो क्या कवर करते थे, इतना ही पढ़ना हमें। लेकिन बस हमें इतना पढ़ना है कि ये लेवल करने के लिए किस तरीके से मोटार का, मिट्टी का और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसकी किलेबंदी हो सके। ये अच्छी बात है। इस किलेबंद में अकॉर्डिंग टू हिम उसने बताया कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पहले और दूसरे में, तीसरे में इन्होंने जो खेती वाले बगीचे वाले घर वाले हिस्से उसे तीसरे में करा। इन्होंने इवन क्या कहते हैं, जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर सामान को इकट्ठा करा जा सकता है, इन्होंने उन जगहों को भी पूरी तरीके से किलेबंद रखा, ताकि अगर बाहर से कोई अटैक करने के लिए कोई आए तो उन अटैक को बचाया जा सके। ताकि ये अगर मान लो कि कोई अटैक कर देता और इनके सामान पर अटैक कर देता तो ये रह कैसे पाएंगे, नहीं रह पाएंगे इसीलिए। तो किलेबंदी पहले दूसरे तीसरे लेवल पे थी, पूरी तरीके से हर जगह पे आप कह सकते हैं रोड का सिस्टम था। ऐसा कहा जाता था कि जो गेटवेज होते थे, जो मेन गेटवेज होते थे, वो राजा के महल तक या मेन शहरों तक या मेन बाजारों तक जाते थे, वो पक्की सड़कें होती थी। कच्ची सड़कों को गांव तक, गलियों तक, मोहल्लों तक कनेक्ट करने की कोशिश करी जाती थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे आर्किटेक्चुरल फील दे रखा है, विजयनगर एम्पायर में बड़े बड़े गोपुरम थे, लेकिन अरबों का इम्पैक्ट भी हमें इनके स्ट्रक्चरल स्टाइल में दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत इस्लामिक स्ट्रक्चर भी इनका है, क्योंकि देखो आर्काइव की शेप में ये दिखाई दे रहा है हमें, तो इसीलिए इस्लामिक स्ट्रक्चर में बोला जाता है इसे। विजयनगर एम्पायर में रोड के बारे में मैंने बता ही दिया, कर्नल कॉलन मैकेंजी बताते हैं इसके बारे में भी, है ना, और फिर फाइनली फुटपाथ वुटपाथ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। तो ये कुछ वैसे ही है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे रोड बनते थे ऊबड़ खाबड़ प्लेस है तो उसे उस टाइप पे बनाया जाता था। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्बन कोर के बारे में आपको पढ़ना है, वो क्यों पढ़ना है कि पूरे की पूरी विजयनगर एम्पायर में दो ही जगह होती थी, शहरी भी होती थी और ग्रामीण भी होती थी। ग्रामीण तो ग्रामीण ही रहेगी, शहरी का पता क्या चलता था, जहाँ पर महंगी चीज़ें मिलती थी, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, जहाँ पर मेहराब बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत सारे इमारतों का शहर मिलता था, ये अलग अलग जगहों पे फैला हुआ था। अगर ये होता था तो इससे हमें पता चल जाता था कि ये इलाके बड़े रहायशी हैं, जहाँ पे टैंक हैं, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे बाजार है, जहाँ पे पक्की सड़कें हैं, जहाँ पे महंगे सामान मिल रहे हैं, वो सारे तो इंपॉर्टेंट जगह होंगी ना, तो इसीलिए।
तो रॉयल सेंटर्स के बारे में विजयनगर एम्पायर में बताया गया, बट ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इतना ही पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।